हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हैं, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैला जी, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। फरमाए आज जी। तो सर, पाकिस्तान में जी बड़ी ताजा तरीन खबर आई है कि इस्लाम फिर से खतरे में आ गया है। पाकिस्तान का नाम अगर देखा जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो हमारा मीडिया है ये बता रहा है कि इस्लाम खतरे में आ चुके हैं। वजह जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम क्यों खतरे में आया है। तो एक वीडियो वायरल होती है इस्लामाबाद कायदे आजम यूनिवर्सिटी की, जिसमें देखा जा रहा है कि हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट जो है वो होली फेस्टिवल को मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल रंग लगा रहे हैं। और इस वीडियो ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, हमारी इस्लामी आइडियोलॉजी खतरे में है। और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई होली नहीं खेलेगा और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसको बैन कर दिया गया है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये कैसा फैसला है, इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स की हमाकतें जो हैं, एक के बाद एक के बाद एक इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं जी कि अब इनसे जी कोई चीज़ बईद नहीं। एक होली का फेस्टिवल्स एक खुशी का फेस्टिवल है, और याद रखें 1.6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन अभी भी हिंदू है, विच मीन्स 4-5 लाख, 5 मिलियन लोग तो हिंदू फेथ के हैं। उनमें से कुछ इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते भी हैं। मसलन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो 2-3 हिंदू लड़के लड़कियां वहाँ पढ़ते थे। इसी तरह लम्स में जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे भी सिंध से आए हुए हमारे हिंदू सिख क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होते हैं। तो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि आप सबको इंक्लूड करें अपनी खुशियों में। ये यूनिवर्सिटीज बनी इसलिए थी कि यहाँ पे आज़ादी होगी सोचने की, आज़ादी होगी खुशी मनाने की, और एक क्या कहते हैं इंक्लूसिव किस्म का माहौल होगा यूनिवर्सिटियों में, ताकि सब उसका हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर इन्होंने वो कत्ल किए हैं लोगों को। यार वो अपना लड़का क्या था, मिशाल खान, उसको इन्होंने कितना बेदर्दी से कत्ल किया। इन्होंने एक बहावलपुर में एक प्रोफेसर था, वो बेचारा अंग्रेजी का, वो जो नई क्लास आ रही थी और पुरानी क्लास की एक पार्टी करना चाहता था जिसमें लड़के लड़कियां बैठ के मिलेंगे, तो कोई खाना पीना होगा, उसके स्टूडेंट ने आके उसको छुरियों से कत्ल कर दिया। तो ये सारी चीजें एक बर्बरियत की तरफ, इसे कहते हैं कल्चरल फैशिज्म। फैशिज्म आप समझती हैं, फैशिज्म है कि वायलेंस वायलेंस के अंदर अपना ईमान और यकीन रखना कि हर चीज को मैं वायलेंस से कुचल दूंगा। तो अब होली जैसे फेस्टिवल को, अब ये इनको इतनी, ये इतने बेशर्म हैं जिन्होंने ये किया, इनको ये नहीं पता कि साथ के हिंदुस्तान पे ये हमेशा उंगली उठाते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये होता है वो होता है। अब अगर इंडिया वाले बैन कर दें हमारी, आपको पता है यहाँ पे जो ऑफिशियल हॉलीडेज हैं उसमें दोनों ईदों की होती है छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे जी और ईद मिलादुल नबी की छुट्टी होती है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक की पैदाइश जो सिख फेथ के हैं उनकी होती है, जीसस क्राइस्ट क्रिसमस और ईस्टर की खुशी होती है, और हिंदुओं के जो त्यौहार हैं होली और दिवाली और एक दो और जो हैं, तो और मैंने देखा हाँ सब सब लोग मिलके ये एंजॉय करते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि ऑल्दो आई एम बॉर्न इन 47, लेकिन हमारे घरों में ये खबर होती थी कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रिश्चियन हिंदू रहते थे
वो दिवाली पे कुछ हमें भेज देते थे, हम ईद पे कुछ भेजते थे, तो बिल्कुल एक और किस्म का माहौल होता था। इन्होंने जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना के मजहब के नाम पे एक ऐसी रियासत कायम की जिसमें स्वाए नफरत के दूसरों के लिए कोई और ऐलान नहीं है। तो ये उन ऐलान में से एक ऐलान है कि अब होली भी नहीं यूनिवर्सिटीज में लोग मना सकेंगे। उन्हें पूछे अगर इंडिया इस्लामिक हॉलीडेज को बैन कर दे तो डू यू थिंक ये इंडियन जो वहां के मुसलमान हैं उनके साथ इंसाफ होगा? तो देखो फिर ये कैसा शोर मचाते हैं, इस्लामोफोबिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, यूं हो रहा है, वो हो रहा है। और ये एक मासूम किस्म की सेलिब्रेशन है। होली में तो वो यही होता है, कलर्स ये वो, दैट्स ऑल, इट्स जस्ट एंजॉयिंग एन इवनिंग टुगेदर, अ डे टुगेदर, एंड व्हाट्स व्हाट्स द बिग डील विद इट यार। लेकिन ये है एक नाकाम आइडियोलॉजी की निशानी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सुना हुआ है ना तुमने? तो जी सुना भाई माँ जी ये पाकिस्तान का खिसियानापन जो है, अब वो खंबे ही नोच रही है ना कि छोटी छोटी खुशियों पे भी बैन लगाया जाए। मुझे याद जी है ये पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट नहीं बनाने देते, वो डंडे लेके फिरते हैं अगर आप पार्टी कर रहे हो, और क्रिसमस में भी ये पहुंच जाते हैं। हालांकि पहले हमारे जो लाहौर के लोग हैं ये वो आना जाना सारा कुछ ही एंजॉय करते थे। तो ये जो इन्होंने ये ब्रिगेड बनाया ना गुंडों का, ये मौलवी जो वो शलवार से ऊंची उन्होंने वो की होती हैं, गिट्टों से ऊंची हैं ये, छोटी शलवार और बड़ा कुर्ता हाँ, और ये जो है वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, क्योंकि इनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 1100 साल में मुसलमानों की जीरो कंट्रीब्यूशन है सिवाय एक के, इब्ने खलदून ने जो एक मुकदमा किताब लिखी थी, उसके अलावा कोई, देर इज नथिंग जिसके ऊपर आप कह सकें कि दुनिया के इलम में हमने कंट्रीब्यूट किया है। और अब हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हम है। भाई जो सिविलाइजेशन कॉन्फिडेंट होती हैं वो बैन नहीं लगाती, वो बैन हटाती हैं। सारे यूरोप के अंदर बिल्कुल हर शहर में अब जहां मुसलमान है वहां वो मस्जिद वहां बन गई है, स्वीडन के अंदर कई मस्जिदें अब हैं। लेकिन ये जो है ना हमारे पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है इसमें नलायक तरीन लोग बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, जब जी मैं पाकिस्तान में था ना तो एक दफा मुझे एक किताब का मसौदा आया, किसी ने भेजा कि देखें ये है तो मुझे लिखने को मिला, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको पास कर दें। तो आप इसको पास कर देंगे तो जो पैसे मिलेंगे ना वो हम आधे आधे कर लेंगे। और ठीक मैंने कहा यार व्हाट शेमफुल थिंग टू से, मैं स्वीडन से आया हूँ ये काम करने के लिए। खैर शैला यू बिलीव मी, इट वॉज ऑन पोलिटिकल थियरी जो मेरा अपना फील्ड है, प्लेटो एरिस्टोटल कार्ल मार्क्स ये वो सारा, उसकी ना अंग्रेजी सही, ना उसकी ग्रामर, ना उसका सिंटेक्स, और ना उसमें कोई रब्त। वो लगता है कि उस प्रोफेसर ने जो कहता था कि मिला मुझे है पास तुम कर दो ये सारा, उसने किसी अपने स्टूडेंट को कह दिया होगा कि यार इकट्ठा करके ना एक मुसवदा बना दो तो तुम्हें मैं ये पैसे दे दूंगा, और मुझे कहा तुम्हें मैं इस किस्म के ये पैसे दे दूंगा। तो मैंने फिर आई रोट अ नोट टू द हायर एजुकेशन कमीशन के पाकिस्तान की अगर ये किताब छप गई तो बदनामी होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी के मुताबिक बात नहीं की गई, बेरब्त, और बिल्कुल यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कुछ कर लिया, और जब तक जुबान की ग्रामर ही सही ना हो तो वो कैसे आप किताब एक टेक्स्ट बुक के तौर पे पब्लिश करेंगे। तो ये है हमारे हायर कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन का लेवल कि ये कैसे यहाँ पे सारा काम होता है। अब इनके पास कुछ भी देने को नहीं है तो इन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि यूनिवर्सिटीज में होली ना मनाई जाए। तो ये क्या है, पाकिस्तान एक वो क्या कहते हैं किल जॉय,
किल जॉय, जॉय होता है खुशी, किल जॉय इज एन इंग्लिश टर्म, कि आप हर खुशी को जो है ना उसको आप मुर्दा कर देते हैं, और लोग हमारे जो हैं वो उनके पास कुछ भी नहीं करने को। और ये इस्लामिक आइडियोलॉजी, क्या इस्लामिक आइडियोलॉजी वो क्या कहते हैं, कांच की गुड़िया है कि जरा सी हुई तो ये गिर जाएगी और टूट जाएगी, उसे कहते हैं फ्रेजाइल इन इंग्लिश द वर्ड। इस पाकिस्तान सो डैम फ्रेजाइल प्रीकेरियस दैट अ स्मॉल इवेंट लाइक होली विल ब्रिंग इट क्रैशिंग डाउन। इफ दैट इज ट्रू, मतलब है एज एन आइडिया भी अपनी मौत मर रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन का काम है लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट किताबें, नई नई सोच लेके आना। हायर एजुकेशन कमीशन, इस किस्म के बेहुदा कानून पास करना, ये एक वो क्या कहना चाहिए, तो एक स्कैंडल मुझे नजर आ रहा है। इट्स अ स्कैंडलस एक्ट एंड आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू। आई फील सॉरी फॉर पीपल लाइक यू हु लिव देयर। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। हम कहते हैं कि हमारे झंडे में सफेद रंग है, यहाँ पर माइनॉरिटीज को तो आज़ादी है। तकलीफ इस दफा ये है कि मुसलमानों ने होली क्यों मनाई है, हमारी जो इस्लामी आइडियोलॉजी है, हमारे जो इस्लामी नजरियात हैं, ये उसके खिलाफ है, और पाकिस्तान में रहते हुए ये सब नहीं हो सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुओं से इतनी नफरत आखिर क्यों, अगर मुसलमान बच्चे ने होली मना ली तो वो पूरा का पूरा फेस्टिवल ही बैन कर दिया। जाहिर है ज्यादातर यूथ तो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है। वैसे तो अगर हिंदू फैमिलीज की बात करें तो या तो वो कराची में है जो बहुत गरीब लोग हैं, विलेज में रहते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं अगर उनके हिंदू दोस्त हैं उनके साथ उनका त्यौहार मना रहे, तो यूनिवर्सिटी तो कल्चरल डे सेलिब्रेट करने को कहती है कि कल्चरल एक्सचेंज होगा, लोगों को एक दूसरे के त्यौहार जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कि मुसलमान बच्चों ने क्यों मनाई है, इस पे जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसकी वजह है कि इनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वाकई इस्लाम इतना ताकत मजहब है और आइडेंटिटी है कि वो हर चीज में हिस्सा लेके भी अपना मजबूत रहता है। इन्हें हर बात पे लगता है कि वो जो इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर इस किस्म की इनकी सोच है तो वैसी इनकी पॉलिसीज और हरकत होंगी। दुनिया में तो लोगों ने आजादियां दी हुई हैं। मैं देखो इंडिया के अंदर मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं इंडियंस को क्या मुंह दिखाऊं जिनको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए। और मुझे कई देखे इंडियन लोग मिले हैं कि जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारे ही अपने लोग, एक जमाने में तो हम एक ही थे, उनका बुरा हाल है, ना नौकरी है, ना इंडस्ट्री है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो ये मुझे कहते हैं और वो तैयार है कि हम मिलके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अब मैं किस मुंह से जाके उन्हें कहूं कि जी आपको चाहिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। और इन्हें कोई शर्म कभी नहीं आएगी, इन्होंने कभी नहीं सोचा। इसे कहते हैं थिंकिंग बियॉन्ड योर नोज, अपनी नाक से आगे इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इन पॉलिसीज के, ये दुनिया में मजाक है। पाकिस्तान इज बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड। ये हरकतें कौन करता है? ये एक फैशिस्ट मुल्क करता है। इसे कहते हैं कल्चरल फैशिज्म। एक तो है ना इंडस्ट्रियल वो सोसाइटी का क्राइसिस। नहीं, पाकिस्तान तो अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है, ये एक मॉडर्न सोसाइटी भी नहीं है, ये तो एक डाइंग फ्यूडल सोसाइटी का क्राइसिस है। और इसे मैं कहता हूं कल्चरल फैशिज्म, फैशिज्म विच टेक्स अ कल्चरल फॉर्म। और वो कल्चरल फैशिज्म क्या होती है कि हर खुशी के ऊपर सेंसरशिप लगा दो। ये ट्रेजेडी हो गई है। नेक्स्ट सवाल डॉक्टर साहब, ये भी तो पैदा होता है कि पाकिस्तान जब अपने कमजोर हालात में होते हैं तो उस वक्त ये भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जैसे आजकल भी है, जी पैसा नहीं है, भारत ने श्रीलंका की मदद की तो हमें लगता है क्या पता भारत से भी पैसा मिल जाए। और जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रोंग होता है तो वो कहते हैं कि 26/11 करवा देता है। तो जब
कमजोर है तो तब तो हमने दोस्ती करनी है, जैसे हम ताकत पकड़ते हैं तो हम इंडिया पे अटैक कर देते हैं। ये भी तो हमारी एक समझ ले चालाकी ही है कि हम बार बार अपनी बात से फिर जाते हैं। कोई भी पीस एग्रीमेंट हमने जितना भी भारत के साथ साइन किया, कभी कोई एक भी नहीं पूरा किया। हमने कभी नहीं पूरा किया, और अब नाराजगियों में से नाराजगी पैदा कर रहे हैं बाय बैनिंग होली। यार ये करने की क्या जरूरत है? आप ये नहीं सोचते कि इंडिया भी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है? फिर आप कहते हैं कि जी इंडिया में फैसिज्म है, मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, और यहाँ ईद पे आना जाना मैंने देखा है आम है यहाँ पे। जी घरों के अंदर मैं जिस पार्टी में गया हूँ कोई ना कोई मुसलमान, मसलन इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ फोटो भी मेरी है, उन्होंने किताब मुझे अपनी प्रेजेंट की, याकूब कुरैशी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन होता है ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर जिस जो रूल्स बनाता है कि इलेक्शन कैसे होंगे। ये मुसलमानों के पास पोजीशन है। मैं जब आर्मी के अंदर लोग ये वो सारे मुझे मिल रहे हैं। आज एक वो जाफरी साहब आए हुए थे, रिटायर्ड कर्नल। तो जो मैं तो यहाँ मुसलमानों को पाकिस्तान से ज्यादा मैं समझता हूँ, कम से कम आजाद हैं, एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं, और जो चाहते हैं कोई बिलीव करना वो करे। मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, मतलब हम तुर्कोमान गेट से गए, मैं और राकेश वैद साहब, वो है जिस तरह लाहौर के अंदर कभी तुम गई हो, वो पुराने वर्ल्ड सिटी के अंदर जी जो है, गई तो हूँ वहां जी पे तंग तंग गलियां, ये वो उस इलाके में गए बिल्कुल जहां पे ज्यादा मुसलमान होते हैं, तो वहां पे देखा उनकी वो मस्जिद में लोग आ रहे थे जा रहे थे, शायद वो मगरब की नमाज का टाइम था, और साथ ही फिर मंदिर भी है साथ साथ। तो ये तरीका उनका हजारों साल, यानी 1000 साल से मुसलमान और हिंदू इस तरह मिलके उन इलाकों में रह रहे हैं। तो मैं देख के, वो पिक्चर्स मैंने लिए हैं जो मैं फेसबुक पे भी अब शेयर करूंगा। यहाँ पे कहानी बिल्कुल और है। अक्सर मेरे जहन में एक सवाल है कि जैसे कश्मीर में हमारी वजह से कहा जाता है बहुत सी मुश्किलात कश्मीरियों को सहना पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इस तरह की हिंदुओं के खिलाफ जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं भारत के मुसलमानों को तो टफ टाइम नहीं देने वाली? सवाल तो फिर पैदा होता है ना कि अगर वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है तो फिर हम भी जरा इनको आईना दिखा दें। तो ऐसा तो नहीं कि हम 26 से 27 करोड़ मुसलमानों के गुनहगार बनने जा रहे हैं? हम गुनहगार हैं, बने जा नहीं रहे, हम तो हैं। हमने पार्टीशन करके भी उनका जो रिश्ता था सारा वो तोड़ के दो हिस्से कर दिए। अब जब भी हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा होता है तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बिला बनाया था तो फिर ये ले जाए यहाँ से सारे मुसलमान, लेकिन हमें जी ये सिर्फ तो कश्मीरी कहते हैं। मुसलमान, सिर्फ कश्मीरी मुसलमान चाहिए, एक दूसरा मुसलमान हमें, हम उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। अभी ये MQM और सिंधियों का कितना झगड़ा हुआ है और अफगानों का कराची के अंदर, तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मैं फेलिंग वाली बात अब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं यार आपने ओ ग्रामर का रूल ढूंढ के तो आपने ये वो यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स। अब ये फेल्ड स्टेट की निशानी है ना कि यूनिवर्सिटियों में भी आप इस किस्म के हिंदू बेहुदा मुस्लिम कर दिया है। बेकार बेमायनी रूल्स ला रहे हैं। सो पाकिस्तान स्टोरी में कोई दम नहीं है अब। सो आई डोंट नो व्हाट टू से कि ये क्या करेंगे। चीनियों के साथ तो ये इतनी मोहब्बत करते हैं ना, उनके साथ कोई जुबान इनकी है। मैं कह रहा हूँ चीन के साथ हमारी जितनी ये दोस्ती हम क्लेम करते हैं, ये है वो है, उसके अंदर अवामी लेवल पे तो कोई कम्युनिकेशन चीनियों के साथ नहीं है ना। वो जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने तरीके से ही रहते हैं, उनकी हमारी सोसाइटी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि जुबान नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ तो अंग अंग पे हमारा हर चीज मिलती है उनके साथ। मैंने तो यहाँ के पहले से मैं जानता था, बहुत देर से जानता था, अब दोबारा मैंने जो देखा है घरों में जिस तरह बुलाया जा रहा है ये वो,
और हर जगह पे मुझे लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ये किताबें जो उन्होंने लिखी हुई है। पाकिस्तान में तो कभी कोई किताब प्रेजेंट करते ही नहीं है, क्योंकि लिखते ही वहां पे कोई कुछ नहीं है, बहुत कम बेचारे लिखते हैं, उनका बुरा हाल है। यहाँ पे तो हर शहर में राइटर्स आ जाते हैं और उन्होंने पाकिस्तान पे बहुत पढ़ा होता है, दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड। तो इंडिया इज, मैं कहता हूँ, ये एक चाइना के बाद एशिया की बहुत बड़ी पावर बन रही है, और अगले 10 साल में शायद सारा दुनिया का रुख मार्केट के तौर पे इंडिया की तरफ होगा। चाइना बहुत तरक्की कर गया, नो डाउट, अब इंडिया का मुझे लगता है टाइम आ गया है। हम जो हैं वो कहीं बिल्कुल नहीं, हमारी ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई चीज है, और एजुकेशन पॉलिसीज अगर इतनी स्ट्रिक्ट हो तो लोग क्या करते हैं, वो छुप, क्या कहते हैं, बंद दरवाजों के पीछे सारा कुछ हो रहा होता है। तो बिल्कुल, अब अब भी ये भी है। हो जाएगा, आप बताएं। यस, हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं 1 क्लास से मुतालिया पाकिस्तान उनको पढ़ा पढ़ा के हिंदुओं के खिलाफ कर देते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में अब जैसे दुनिया सोशलाइज हो रही है, हमारे मुसलमान बच्चे अपने हिंदू पाकिस्तानियों के साथ उनके फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, उनके साथ खुश होना चाहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी तो इस हक में भी है कि भाई मंदिर भी बनाओ, हिंदू भी हमारे मुल्क में टैक्स दे रहे हैं, तो उनको वो तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि पाकिस्तानियों के है। लेकिन स्टेट की तरफ से बच्चों के अंदर कट्टरता भरने की कोई खास वजह है, या ये तालिबान को खुश कर रहे हैं, नहीं, या जो ये ग्रुप बने हुए, एहसास क्या है ये? कमतरी। अगर ये कॉन्फिडेंट, एक सिविलाइजेशन जब कॉन्फिडेंट होती है ना, वो जेनरस भी होती है। डू यू गेट द पॉइंट? तंग नजर एग्जैक्टली वो लोग होते हैं, जो नाकाम लोग हों उनमें तंग नजरी आ जाती है, किसके साथ आ जाती है, उनमें जेलसी आ जाती है, वो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। जो कामयाब लोग होते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, उनको तो दुनिया एडमायर कर रही होती है। हाँ जी, तो जी ये एक नाकाम बेकार आइडियोलॉजी की, जो जिसके बुनियाद पे ये सारा कुछ सो कॉल्ड हायर एजुकेशन कमीशन कानून बनाती है, ये उसका असर है कि इन्होंने कभी दुनिया की सिविलाइजेशन की स्टडी नहीं की। एक और तरीका होता है दुनिया में समझने का, उसे कहते हैं द कंपैरेटिव मेथड, यानी कंपैरिजन एट द सेम टाइम और कंपैरिजन डाउन द सेंचुरीज। दो तरीके हैं, डाउन द सेंचुरीज यू कंपेयर और एट द सेम टाइम। तो एट द सेम टाइम अगर आप कंपेयर करें तो हर जगह पे मुसलमान मुल्क बाकी मुल्कों से उनका रैंकिंग नीचे है, हालांकि इनके पास इतना ऑयल है, ये है वो है। अब अरब जो है वो फाइनली दे आर मॉडर्नाइजिंग और पता नहीं क्या क्या होगा। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है ना, कि ये हमारी एलीट हर वो हरकत करती है जो ये बाकियों के लिए इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई है। बिल्कुल इतनी शराब चलती है पाकिस्तान में महफिलों के अंदर कि यू हैव नो आइडिया, यू सिंपली हैव नो आइडिया। लेकिन वैसे वो बैन है, तो जो जी, चीजें बैन बैन है, जो चीजें बैन है वो छुप के हो रही होती हैं और हर घर में हो रही होती हैं। तो अब ये एक 1.26% माइनॉरिटी के एक खुशी में, जिसमें उनके दोस्त क्लास फेलो हिस्सा लेना चाहते हैं, उस पे भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये इस्लामिक आइडेंटिटी को कमजोर करती है, उसके खिलाफ है। तो वो क्या आइडेंटिटी है मुसलमानों की? क्या हम अरब हैं भाई? हम तो इसी धरती के रहने वाले हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें सदियों से हो रही थी। तो डॉक्टर आई साहब, डोंट आपने आपने नो। जी अरब की बोल। बात की, तो अरब तो मंदिर बना रहे हैं, अरब तो अरब के हमने शेखों को देखा है, वो होली मना रहे हैं, वो भी तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमारे देश में जो 35-36 लाख हिंदू रहते हैं, इससे हमारी इस्लामी आइडेंटिटी को खतरा हो रहा है। वो तो बड़े से बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, हम तो उनका अब कल्चर फॉलो करते हैं। नहीं, बात सुनो, अब ये हो रहा है। इराक में तो था, सदाम हुसैन ने जो स्टेट बनाई थी उसमें हर किस्म के मजहब को आजादियां थी। हाँ जी, तो इराक में एक और ट्रेडिशन है और
सीरिया में, इनमें एक और ट्रेडिशन थी, इजिप्ट में भी थी, लेकिन जब से ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम आया है वहां पे हर चीज पे वायलेंस शुरू हो गई है। इसे मैं कहता हूं कल्चरल फैशिज्म। फैशिज्म जो कल्चर के जरिए लोगों की खुशियां और को रोकती है। हाँ, खास तौर पे लड़कियों के ऊपर पाबंदियां सबसे ज्यादा होती हैं, ये कल्चरल फैशिज्म है। अब होली के ऊपर भी हो गया, शायद उन्हें लगता हो होली कोई लड़की का नाम है तो चलो इसको भी बैन कर दो। मुझे तो यही लगता है, इतनी अकल भी इनके पास नहीं कि इट्स अ फेस्टिवल, तो रंगों का ये फेस्टिवल है, इन्हें उस पर तकलीफ है। सो व्हाट कैन यू डू। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे और एडवाइस भी लेना चाहेंगे, इसका आप इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत पे क्या असर पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे नीच हरकतें हम कर रहे हैं? कि हम बहुत नीचे लोग हैं, हम वी आर अ पीपल विदाउट एनी सेंस ऑफ कल्चर। हमारा कोई एस्थेटिक, एस्थेटिक समझते हो, जी एस्थेटिक्स बिल्कुल मीन्स हर सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ जी फाइननेस, समथिंग इज फाइन, समथिंग इज ब्यूटीफुल, समथिंग इज एलिगेंट, इसे कहते हैं एस्थेटिक्स। हमारे सारे एस्थेटिक्स मार दिए इन्होंने। आप पोइट्री भी करें तो उसके ऊपर भी इनकी पाबंदियां आ जाती हैं, म्यूजिक के ऊपर इनकी वो बेतहाशा फतवे हैं, और डांस तो ये करने नहीं देते। पाकिस्तान में जितनी साल मैं पढ़ाता रहूं तो लड़के नाचते हैं, लड़कियां बैठी रहती हैं। यार मैंने कहा ये दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, ये लड़के वो जब म्यूजिक म्यूजिक होता है तो नाचते हैं। मुझे भी उठा लेते थे सारे ये कि भाई नाचो, आप भी प्रोफेसर, तो आई यूज टू डू इट, आई डोंट माइंड डूइंग इट। सो लेकिन लड़कियां बेचारी अगर चाहे भी क्या नहीं कर सकते। दे कांट डू इट। तो पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा जेल खाना बना रहे हैं, जेनी जेनी जेल, जहां पे जहन के ऊपर ताले लगा दिए जाए, कोई खुशी नहीं, कोई स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो एकदम उमंग उठे। हाँ, एक स्पॉन्टेनियस इंसान होने की जरूरत ही नहीं आप कर सकते। लेकिन मुझे इंडियन दोस्त कहते हैं कि यार जितना पंजाबी में आपका ह्यूमर टीवी पे हम देखते हैं तो लोग वो सारा निकाल लेते हैं किसी तरीके से। अब होली पे उन्होंने बैंड लगाया है ना, देखना कितने जोक्स वहां पे बनेंगे, जोश इशारा इनकी तरफ ही करेंगे तो वो सब समझ आ जाएगी। तो ये नहीं कि लोग जो है वो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, वो मजाक में कर रहे होते। सो दैट्स द पाकिस्तान स्टोरी इज अ बोरिंग स्टोरी। पाकिस्तान को ये बोर्डम का मुल्क बना रहे हैं। वी आर स्पेशलिस्ट इन 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 फिलिंग लाइफ विद बोर्डम। मैं तुम्हें बोर करूं, तुम मुझे बोर करो, और इस तरह हमारी जिंदगी गुजर जाए, ये है पाकिस्तान की कहानी। अफसोस है, वेरी बहुत सैड, अफसोस। वेरी सैड, और जब वेरी ये सैड। बोर करेंगे तो फिर लोग भी तो कहीं ना कहीं बम बांध के फट रहे होते हैं, फिर यही चीज करने को रह जाती है, वो एंटरटेनमेंट भी सारे इनकी तो ये सारा होगी। कुछ हो रहा है, मुझे तो पता है, आई नो एवरीथिंग इज हैपनिंग। और कई लड़के जिनके पासपोर्ट लेके वो बाहर जा रहे हैं और कई डूब भी गए हैं उस प्रोसेस के अंदर। जी, वो बहुत अफसोस। तो पीपल वॉन्ट टू लीव पाकिस्तान एनी टाइम, इट्स अ सिंकिंग शिप, वो कहते हैं ये डूबती हुई का अपना कश्ती है, ना सो जंप ऑफ इट एज सून एज यू कैन। तो आई नो ऑल दैट एंड आई कैन ओनली से आई एम सो सॉरी फॉर पीपल लाइक जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो कोई खुशी मनाने का उनको हक नहीं है। होली बनाई जाएगी तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी, इस्लामिक टीचिंग्स खतरे में पड़ जाएंगी। और यार किस दुनिया में रह रहे हो तुम? 20 मिलियन मुसलमान वेस्टर्न यूरोप में रह रहे हैं, जहां रोज शाम को डांस क्लब में डांस हो रहे होते हैं, इनको तो कोई तकलीफ नहीं वहां पे, अक्सर गए भी होते हैं, मैंने देखा है। यहाँ पे न्यूडिस्ट कॉलोनीज है, वहां पे गए होते हैं ये सारे, ये बाद में आके वो इस्लामी बन जाते हैं। मैं आई नो दिस पीपल वेरी वेल। हाँ, यहाँ पे कुछ इलाके हैं वे यू कैन गो न्यूड, यू डोंट वेयर एनी क्लोथ्स,
फॉर एवरीवन। तो ये वहां पे वो तमाशा देखने जाते हैं, लोग इसलिए जाते हैं, वो जो कहते हैं वी बिलीव इन पीस, हम ये सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं, उनकी एक सोच है। जाहिर है वो सोसाइटी से जरा दूर फॉरेस्ट में या कुछ होता है, ये सब बदमाश वहां पे गए होते हैं सिर्फ देखने के लिए। तो डबल मॉरल और नो मॉरल, ये है फलसफा हमारा। आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मुझे इतनी, मैं इतना नाराज हूं इस बात को सुन के कि यार एक छोटी सी खुशी के ऊपर इतनी पाबंदी है, और पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान के इस्लामी कल्चर पे ये एक हमला हो जाएगा। इस पाकिस्तान सो फ्रेजाइल, इज इट मेड ऑफ थिन पेपर, व्हाट इज पाकिस्तान मेड ऑफ दैट इट कांट एब्जॉर्व दिस स्मॉल हैप्पीनेस हैप्पीनेसेस। आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू शैला, एक्सेप्ट दैट आई फील सो सॉरी कि पाकिस्तान का बद से ये और जवाल की तरफ, ये जवाल पजीर मुआशरे की निशानी है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपकी राय के लिए, और जितना भी कर सकते हैं अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे हाथ में और कुछ है नहीं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको डॉक्टर साहब की राय कैसे लगी कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।